देश में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का टी शर्ट पहनकर यात्रा में हिस्सा लेना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है। फिलहाल ये यात्रा उत्तर भारत से होकर निकल रही है जहां जोरदार ठंड पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टी शर्ट में नीचे थर्मल पहन रखा था। वहीं कांग्रेस ने भक्तों को हताश नस्ल कहकर पलटवार किया। वहीं इसके पहले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल गांधी की टी शर्ट वाले फोटो का जूम कर उनकी फोटो ट्वीट किया। स्लीवलेस थर्मल और बटन वाली टी शर्ट के झूठे राहुल गांधी ने नकली तपस्वी के होने के दावे को उजागर कर रही है। सर्दियों के मौसम में ठंड लगना सामान्य बात है। राहुल गांधी की टी शर्ट पहनकर नकली प्रचार के लिए ध्यान आकर्षित करने और नौटंकी के अलावा कुछ और नहीं है। वहीं इसके पहले खुद को बीजेपी कार्यकर्ता बताने वाली प्रीति गांधी ने कहा, तपस्वी थर्मल पहनते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पलटवार करते हुए कहा, भक्त हताश नस्ल है, वे अब सामूहिक रूप से जूम इन कर रहे हैं और राहुल गांधी की टी शर्ट पर उनकी गर्दन और छाती झुड़ियों के स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ये हताशा है। वहीं कांग्रेस ने सोशल मीडिया टीम की राष्ट्रीय संयोजक रुचिरा चतुर्वेदी ने कहा, 2 रुपये के ट्रोल सफेद टी शर्ट से इतने बौखलाए क्यों हैं? वहीं हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस कड़कती ठंड में कपड़े उतार कर डांस किया। इस वीडियो में कांग्रेस कार्यकर्ता जमकर नाच रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस सेवा दल की भीड़ द्वारा राहुल को गले लगाए जाने का एक उदाहरण ट्वीट करते हुए कहा, हम भारत के लोग की श्रेणी है जिनके प्रेम की गर्माहट ने राहुल गांधी को यात्रा में चलने के दौरान ठंड का एहसास नहीं होने दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हवाले से कहा, यह देश की पहली बार नहीं हो रहा है। नागा साधु दिगंबर जैन मुनि कई लोग बिना कपड़ों के रहते हैं। राहुल गांधी को लेकर जो लोग मुद्दे उठा रहे हैं उन पर रिसर्च होनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा के हर चीज की तरह सफेद टी शर्ट राहुल गांधी ने मार्च में पहले दिन से पहनी हुई है जिसने जांच के आकर्षित किया है। यात्रा की शुरुआत में बीजेपी ने गांधी को 41,000 रुपये की बड़बेटी टी शर्ट पहनने के लिए निशाना बनाया, जबकि सलमान खुर्शीद जैसे कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को इतनी सर्दी में सिर्फ टी शर्ट पहनकर यात्रा में शामिल होने को लेकर उनकी तुलना तपस्वी से की। राहुल गांधी ने खुद दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्हें ठंड महसूस नहीं हुई क्योंकि वह ठंड से डरते नहीं थे।